नमस्ते स्टूडेंट, बीएड सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, जिसमें हम इकाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इकाई फर्स्ट का जो अपना टॉपिक है वो है आज का ज्ञान का अर्थ। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था ज्ञान की अवधारणा, और अवधारणा में हमने उसका देखा था कि ज्ञान को हम यथार्थ रूप में भी देख सकते हैं और भौतिक रूप में भी ज्ञान को देख सकते हैं। तो हम आज ज्ञान के अर्थ के बारे में जानेंगे कि सामान्य रूप से ज्ञान को एक जटिल तत्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ज्ञान की जब ज्ञान शब्द हमारे मस्तिष्क में आता है तो हम सोचते हैं कि ज्ञान बहुत ही व्यापक है, एक जटिल प्रक्रिया के रूप में वो हमारे सामने आता है। मस्तिष्क में जटिल प्रक्रिया के रूप में उसकी कल्पना बनती है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है। और उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो ज्ञान एक जटिल प्रक्रिया है, तो ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने में अनेक जन्म बीत जाते हैं। इस प्रकार की अवधारणा समाज में सामान्य रूप से प्रचलित है कि ज्ञान की जब बात आती है तो दिमाग में ये आता है कि ज्ञान बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ज्ञान को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जो समय है वो बीत जाता है, अनेक जन्म बीत जाते हैं, तो फिर मनुष्य को सच्चा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार की धारणाएं हमारे समाज में अनेक रूप से प्रचलित होती हैं, हम सुनते भी हैं। यह कथन पूर्णतः असत्य नहीं है तथा सत्य भी नहीं है, लेकिन जो ये कथन है जो कि ज्ञान जटिल प्रक्रिया है, इसको हर कोई व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता, समय बीत जाता है, ये कथन कुछ रूप से सत्य भी है और कुछ रूप से असत्य भी माना जाता है। ज्ञान की दूसरी अवधारणा के रूप में पहली अवधारणा ये थी कि ज्ञान को इस प्रकार से सोचते हैं लोग, इस प्रकार से देखते हैं। दूसरी अवधारणा है कि ज्ञान के एक सामान्य वस्तु है। दूसरी अवधारणा है कि ज्ञान क्या है, एक प्रकार का सामान्य वस्तु मानी गई है। इसे प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ थोड़ी सी सूझबूझ विवेक के द्वारा ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, जिस प्रकार हम भोजन ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं या अन्य दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम जैसे भोजन खाते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र होता है भोजन की तरफ, हम सांस लेते हैं तो उसमें हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं, वैसे ही हम दैनिक क्रियाओं के रूप में ज्ञान को भी अपनाएंगे तो ज्ञान को भी आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधारणा के आधार पर ज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसलिए ज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट पे है वो है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, और नंबर दूसरे में है वो है विशिष्ट ज्ञान, दूसरे में है वो है विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान को दो भागों में, जो अपने दो अवधारणा हमने पढ़ी है, जैसे प्रथम अवधारणा थी कि ज्ञान को हर व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता, बहुत ही जटिल क्षेत्र है, इसलिए इसको ज्ञान को हासिल करने के लिए बहुत समय बीत जाता है, हर व्यक्ति इसको हासिल नहीं। दूसरी अवधारणा ये थी कि जिस प्रकार हम खाना खाते हैं या दैनिक जो कार्य करते हैं उसको हमें ज्ञान को अपना सकते हैं, तो ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन अवधारणाओं के आधार पर दो इसके भाग विभाजित किए हैं। नंबर फर्स्ट पे है सामान्य ज्ञान और नंबर सेकंड पे है वो है विशिष्ट ज्ञान। अब देखते हैं कि सामान्य ज्ञान क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान क्या होता है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उन सभी भौतिक वस्तुओं का ज्ञान सम्मिलित होता है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, ज्ञान के अंतर्गत, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उन सभी भौतिक वस्तुओं का, उन सभी भौतिक वस्तुओं का या उन सभी भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, किया जाता है, उन सभी भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से, जिन्हें
हम प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से तथा शाब्दिक जानता हूं। फिर है पदार्थ के तीन रूप होते हैं। पदार्थ के तीन रूप होते हैं। पदार्थ के तीन रूप होते हैं। मोहन साइकिल चलाना जानता है। मोहन साइकिल चलाना जानता है एवं सीता पढ़ना जानती है एवं सीता पढ़ना जानती है आदि। आदि क्या है? सामान्य ज्ञान माना जाता है। यह ज्ञान सरल होता है। जो ये सामान्य ज्ञान है, ये विशिष्ट जो ज्ञान है उसकी तुलना में इस ज्ञान को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसको सामान्य ज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। इसीलिए हम इसको सामान्य ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान है, वो आसानी से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें उदाहरण दिया है, जैसे ये मेज हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या है, मेज है। स्कूटर चलाना जानता है, मैं स्कूटर चलाना जानता हूँ। पदार्थ कितने रूप होते हैं? ये सामान्य ज्ञान होता है जो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये साइकिल चलाना जानता है, सीता पढ़ना जानती है, ये क्या है? सामान्य ज्ञान है। यानी सामान्य ज्ञान को हम सामान्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से देख कर शाब्दिक अर्थों के रूप में सुनकर उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अर्थ है वो है विशिष्ट ज्ञान। दूसरा ज्ञान है वो है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो आत्मा परमात्मा एवं आध्यात्मिक जगत से जो जगत से होता है।
जैसे बोलते हैं ना एक अलग ही दुनिया होती है जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होता है, जो परमात्मा को मानता है, यानी इस संसार से छोड़कर दूसरे संसार में, यानी भगवान के वहाँ वो पांडव की जगत से इस प्रकार का जो ज्ञान है वो जुड़ा हुआ होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति दुष्कर एवं कठिन होती है। इस प्रकार की जो ज्ञान की प्राप्ति है वो हर कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब व्यक्ति आध्यात्मिकता ग्रहण करता है तो उसको बहुत सारे तप है, साधना है और बहुत सारी तो ऐसी बातें हैं, उन बातों को अपनाना पड़ता है, नीति आचरणों को अपनाना पड़ता है, जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। इसलिए इस ज्ञान की प्राप्ति दुष्कर एवं कठिन होती है। अतः इस ज्ञान की प्राप्ति दुष्कर एवं कठिन होती है। इस ज्ञान की प्राप्ति दुष्कर एवं कठिन होती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने में व्यक्ति को जन्मों तक परिश्रम एवं साधना करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया इस ज्ञान को, इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को कई जन्मों तक परिश्रम एवं साधना करनी पड़ती है। व्यक्ति को कई जन्मों तक परिश्रम एवं साधना करनी पड़ती है। इस ज्ञान की प्राप्ति है तो व्यक्ति को कई जन्मों एवं तथा परिश्रम एवं साधना करनी पड़ती है। कई व्यक्ति को कई जन्मों तक करनी पड़ती है। फिर इसके प्रमुख उदाहरण इस प्रकार से देखे जा सकते हैं, जैसे इसके भी उदाहरण बताए गए हैं, जैसे स्वामी जी त्रिकालदर्शी हैं, जैसे स्वामी जी त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी यानी तीन जो लोग हैं उन लोगों को जानने वाले त्रिकालदर्शी हैं, यानी भूत भविष्य वर्तमान सभी की जानकारी स्वामी जी रखते हैं। दूसरा है आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर, आत्मा अजर अमर है। फिर है राम प्रसाद आध्यात्मिक जगत के प्रकांड विद्वान है, राम प्रसाद आध्यात्मिक के प्रकांड विद्वान है, रामप्रसाद आध्यात्मिक के प्रधान विद्वान है तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना कठिन कार्य है, तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना कठिन कार्य है। आदि सभी क्या इसके उदाहरण है। बाकी जो क्लास है उसमें हमने सामान्य ज्ञान एवं विशिष्ट ज्ञान के बारे में चर्चा की। इसमें हमने सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ा कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उन सभी भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष एवं शाब्दिक रूप से आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यह मेज है, मैं स्कूटर चलाना जानता हूँ, प्रदार के तीन रूप होते हैं, मोहन मोटरसाइकिल चलाना जानता है, सीधा पढ़ना जानती है आदि। और जो विशिष्ट ज्ञान है उसमें उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो आत्मा से, परमात्मा से एवं आध्यात्मिक जगत से जुड़ा होता है। यह ज्ञान प्राप्त करना दुष्कर एवं कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए हर व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, कुछ नैतिक परंपराएं हैं जिनको व्यक्ति अपनाना पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को कई वर्षों तक साधना करनी पड़ती है, तब उसको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हर व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त दुष्कर कठिन होता है। इस ज्ञान प्राप्ति हेतु व्यक्ति को कई जन्मों तक
स्वामी जी की कार्यदर्शी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे तपस्याएं साधना की, तभी उनको ये ग्राम प्राप्त हुआ है, तभी वो एकादशी कहलाते हैं। आत्मा अजर अमर है। विद्वानों ने आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए जो विद्वान हैं, महाज्ञानी हैं, उन्होंने आत्मा को अजर अमर बनाया, क्योंकि आत्मा कभी ना तो मरती है और उसका आत्मा को विनाश नहीं होता, इसलिए आत्मा अजर और अमर माना है उन्होंने। राम प्रसाद आध्यात्मिक जगत के प्रधान विद्वान है तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना कठिन कार्य है। आगे इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। आत्मा अजर अमर इसलिए मानी जाती है क्योंकि जैसे एक सिम कार्ड होता है, उस सिम कार्ड को हम तोड़ते हैं तो वही सिम कार्ड किसी और व्यक्ति के पास में चला जाता है। जब उसको हम थोड़े दिनों यूज नहीं करते हैं तो फिर वही नंबर किसी और व्यक्ति के पास चला जाता है। वैसे ही आत्मा होती है, जब एक व्यक्ति के शरीर से वो आत्मा छूट जाती है और व्यक्ति, तो वो आत्मा तो शरीर उसका छूटा है लेकिन आत्मा नहीं छूटी, वही आत्मा किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है, दूसरे व्यक्ति का जन्म होता है। इस प्रकार आत्मा क्या है, अजर अमर मानी जाती है। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप